क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16/9, ठीक है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 ही है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। लेट रैशनल नंबर बी एक्स एंड वाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दैट मीन एक्स इंटू वाई इक्वल टू -16/9। अब देखिए, यदि -16/9 होता है तो हमारे पास इफ़ वन नंबर इज -4/3, एक नंबर -4/3 है, लिख दिए इंटू वाई इक्वल टू -16/9। अब ये वाई है, अब इधर ये अभी डिनोमिनेटर में है, तो इधर आएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और इधर न्यूमरेटर में इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 4, 4 4 16, 3 1 3, 3 3 9, देन वाई इक्वल टू 4/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम लोग यहाँ हेंस अदर रैशनल नंबर भी 4/3। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड -15/56 टू गेट -5/7। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -15/6 में हम मान के चलिए x और y मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है 5/7। अच्छा, अब देखिए ये डिवाइड है तो उधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, एंड 5 1 5, 5 3 15, यहाँ पे 56 है, 6 1 6, 6 8 56। सॉरी, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मैंने कुछ गलती कर दिया, यहाँ पे 56 होगा तो आपका यहाँ पे 56 होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी 6 रहेगा तो 6 8 56 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसको फिर से कर देता हूँ, तो x by y इक्वल टू -5/7 इंटू 56 ऊपर चले जाएगा, -15 नीचे चले जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 7 8 56, 5 1 5, 5 3 15, देन x by y इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, By what rational number should -8/39 be multiplied to obtain 1/26? तो -8/39 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, लेट x by y मल्टीप्लाई करें, तो 1/26 आएगा a t q करके, तो x by y इक्वल टू 1/26 इंटू ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो ऊपर में मल्टीप्लाई में था वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। देन 13 2 26, 13 3 39, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3/8 2 16, -16, तो माइनस डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको न्यूमरेटर में लेके चले जाते, तो -3/16 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 में, By what should -33/8 be divided to get -11/12? बोलता है कि by what should हमें क्या multiply, क्या divide करना है जो मुझे 11/2 get होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, By what should -33/8 be divided to get -11/2? तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, मान लेते रिक्वायर्ड नंबर एक्स है, देन -33/8 में हम डिवाइड करते हैं एक्स एंड वाई को, और एक्स बाई वाई मान लेते, तो हमें कितना आना चाहिए 11/2, यही आना चाहिए ना, तो डिवाइड को पहले हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो इंटू वाई बाई एक्स इजकल टू -11/2,
तो माइनस 33 सॉरी ये 8 है, वाई बाई एक्स रखते हैं, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई 8 बाई माइनस 33, माइनस माइनस खत्म 11 बन जाए और ये 3 2 4 जे आ गया ये, तो वाई बाई एक्स इजकल टू 4/3। ठीक है, तो दोनों तरफ इन्वर्स कर दीजिए, माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, ऑन इन्वर्स बोथ साइड, दोनों तरफ इन्वर्स करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, x बाय वाई और ये क्या हो जाएगा 3/4, हमारा जो है वो आंसर भी आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, द डिवाइड द सम ऑफ -13/5 एंड -12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2। डिवाइड द सम ऑफ, इस दोनों को पहले जोड़ लीजिए, सम ऑफ 13/5 एंड -12/7 एंड -13/5 प्लस -12/7 देन 7 5 जो 35। ठीक है, तो 5 7 जो 35 देन 13 7 जो 91 प्लस 7 5 जो 15 और 12 5 जो 60। क्लियर, तो 91 प्लस माइनस माइनस 60/35 इक्वल टू 31/35 ये आ गया। उसके बाद डिवाइड द सम बाय द प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ -31/7 इंटू 1/-2, माइनस माइनस खत्म, तो क्या आ गया हमारे पास 31/14। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड द सम ऑफ, डिवाइड करना है इसका जो वैल्यू है 31/35 बाय द प्रोडक्ट ऑफ 31/7 और -1/2। प्रोडक्ट क्या है हमारा 31/14, तो 31/35 इंटू 14/31, 31 खत्म, 7 2 जो 14, 7 5 जो 35 एंड 2/5 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, ये क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड द सम ऑफ 65, सम पहले कर लेते हैं हम लोग, डिवाइड करना है बाय देयर डिफरेंस, इसी का डिफरेंस से। ठीक है, डिवाइड डिवाइड करना है, करना क्या हमें डिवाइड, लेकिन उससे पहले क्या करना है, सम करना है, और डिवाइड करना है तो किससे करना है, तो इसी के डिफरेंस से करना है। तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एलसीएम ले लेते हैं, 12 हो गया, यहाँ 65 ही हो जाएगा, प्लस 3 4 जो 12 एंड 4 8 जो 32, डिवाइड 12 3, एलसीएम लेंगे तो 12 भी हो जाएगा, यहाँ पे 65 माइनस 3 4 जो 12 4 एंड 8 4 जो 32 एंड 5 2 7 6 और 3 9 बाय 12 डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में 2 सबट्रैक्ट कर दीजिए 3 या 33/12, उसके बाद क्या हो जाएगा 97/12 इंटू 12/33, 12 12 कैंसिल आउट 97/33। कितना इजी था, लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है कि सर यहाँ पे सम लिख दिया, यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया तो कैसे होगा, तो बस वही इतना सही करना था, ये हमारा आंसर हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, 9/8 डिवाइड, मान के चलिए x बाय वाई इजकल टू -3/2, तो 9/8 इंटू वाई बाय एक्स इजकल टू -3/2, अब वाई बाय एक्स इजकल टू -3/2 इंटू 8/9, इधर चला गया तो चेंज हो जाएगा, एंड 3 1 जो 3 3 3 जो 9 2 1 जो 2 2 4 जो 8, तो वाई बाय एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा ऊपर में -4, क्योंकि एक लौता माइनस है, बाई 3। इफ वाई बाय एक्स इजकल टू -4/3 देन एक्स बाय वाई, हमको इसका रेसिप्रोकल लिया था, हमें इधर इसका भी रेसिप्रोकल लेना होगा, तो क्या हो जाएगा -3/4। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, मान लीजिए ये भी एक्स और वाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिल इन द ब्लैंक से ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5/-7 इजकल टू 10/19। अब इसको इधर ले जाके क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे, मतलब 10/9 है ये उधर जाएगा तो नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, डेनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में था वो डेनोमिनेटर में, तो 5 1 जो 5 5 2 जो 10 देन एक्स बाय वाई इजकल टू 7 2 जो 14 -14/2।
19, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 14 बाय 19, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सेम केस यहाँ पे भी है, तो चलिए मान लेते हैं x बाय वाई कुछ नहीं है तो 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय माइनस 3 इजकल टू माइनस 4 बाय 15, देन x बाय वाई इजकल टू माइनस 4 बाय 15 इंटू माइनस 3, ये कैंसिल, 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, देन x बाय वाई इजकल टू 4 बाय 5, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बाय 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में, उसके बाद है माइनस 12, तो यहाँ पे क्या कर लें एक्स वाई मान लेते हैं, डिवाइड एक्स वाई इक्वल टू माइनस 6 बाय 5, देन माइनस 12 इंटू वाई बाय एक्स इक्वल टू माइनस 6 बाय 5, कुछ नहीं है तो 1 है, देन वाई बाय एक्स इक्वल टू माइनस 6 बाय 5 इंटू 1 बाय माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, 6 वन जा 2 वन जा, देन 1 बाय 10, देन वाई बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय 10 होगा, तो सिंपली एक्स बाय वाई इक्वल टू भी तो 10 बाय 1 होगा, और 10 बाय 1 को सिर्फ 10 लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे लिख दीजिए आपका आंसर हो जाएगा 10। मैं थोड़ा स्पीड में हूँ क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ज़्यादा समय हम दे नहीं सकते इस पर। तो आर रैशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्या लिखती है जी, आर रैशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, जितना भी रैशनल नंबर होता है वो क्लोज्ड होता है डिवीजन के अंदर, तो नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। आर रैशनल नंबर ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, जितना भी रैशनल नंबर होता है क्या हमेशा वो कम्यूटेटिव होता है, नहीं कम्यूटेटिव नहीं होता, नो, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजर भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एक, आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया है। फिर है क्वेश्चन हमारे पास, आर रैशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, जरूरी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ वन, और तीसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ नॉन जीरो, इसका भी जिक्र कहीं किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं किया गया है, तो नो। कैन वी डिवाइड 1 बाय 0 को क्या हम डिवाइड कर सकते, नहीं कर सकते, नो, क्योंकि ये इन्फिनिटी कहलाता है, ठीक है, ये रैशनल, ये नंबर नॉट एग्जिस्ट होता है, ये नॉट एग्जिस्ट होता है, नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि 1 बाय 0 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, एक रैशनल नंबर का डिफिनेशन में क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्यू हमारा 0 है, तो पहली बात ये रैशनल नंबर है ही नहीं, सो एक्सरसाइज 1 ही कंप्लीटेड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या बोलते हैं 1F करेंगे, सो 1F में क्या है हमारे पास, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, तो ठीक है, इसे भी करवाया जाएगा, थैंक यू।